मन में एक परिवर्तन ये मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि शांति और जो हैप्पीनेस ये सब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन में क्या कि कोई उत्तर में भाषा में कुछ नहीं आएगा, लेकिन है ये सब महसूस हो रहा है, ये सब महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल, इस बार तो सबके चेहरे देखकर ही मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सबके चेहरे ही बोल रहे हैं अच्छे। जैसे पहला दिन इतना रोना आ रहा था, लेकिन मैं वो सब चाप चुप के रखता था क्योंकि रोना आ रहा था कि इतना आनंद हो रहा था कि आपके पास आते ही बैठते ही रोना आ रहा था, लेकिन सब बीच बीच में क्या करूँगा इसलिए सब चाप चुप के वहाँ बैठता था और ध्यान करता था। पीकू का भी ऐसा हो रहा था लेकिन वो बताता नहीं। यहाँ का जो फील्ड है, यहाँ आती ही ऐसा होता है, लेकिन जब बाहर चले जाते हैं ना कुछ डेफिशिएंसी महसूस होता है। इसीलिए बुद्धा फील्ड है। अब एक आशीर्वाद कर दीजिए ना जिससे हर वक्त ऐसा बरकरार रहे। देखिए, भाव हमेशा नया होता है, अच्छा है, खूबसूरत है, और मेरा जो अप्रोच है वो खुशी देखकर ये होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने हमेशा कहा है, विजिबल होता है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी हिडन नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो पूरी बीइंग बोलती है। तो हमारे यहाँ जो लोग लौट कर आ रहे हैं और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनका तो पूछे नहीं, वो तो 2-3 बार इनलाइटेंड हो चुके हैं। और जो भी लौट कर आ रहे हैं, हर बार दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर, अच्छे अच्छे हो रहे हैं, तो उनको देख के लगता है। तो ये चीज़ है। रोना एक्चुअल में एक इमोशन का ओवरवेल्म्ड एक्सप्रेशन है। रोना रोना नहीं होता, रोना है तो एक ट्रांसलेशन है हमको लगता है। तो वो बहुत लोगों को ऐसा घटता होगा मैं समझता हूँ, और अतीत में भी घटता रहा है, और फिर कुछ लोग धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हैं। अब जैसे उज्ज्वल बाबू ने अभी बोला करने के लिए, अब थोड़ा थोड़ा मैच्योर हो गए हैं। पहले शहर में ही थे लेकिन बहुत रोते थे आते थे। जब हम, मेरा टाइप एक्चुअल में थोड़ा रुलाने वाला कम है, तो मैं देख भी लेता हूँ, थोड़ा मैं किनारे से निकल लेता हूँ, क्योंकि वो रोते हुए को चुप कराने का मेरा कोई अभ्यास नहीं है। तो वो अभ्यास न होने की वजह से मैं थोड़ा कतराता हूँ कि ना रोए तो अच्छा है, अपना अलग अकेले में रोए तो चलेगा। Thank you.